हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालीस किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ छाना डालना रेसिपी। ये एक बंगाली रेसिपी है, बंगाली वेज रेसिपी है। ये छेना से बनता है। तो इसके लिए मैंने देखिए दूध ले लिया है, दूध उबालने के लिए रख दिया है। दूध अच्छे से उबल जाए फिर फ्लेम को लो कर देना है और इसमें ऐड करना है नींबू का रस। एक नींबू के रस में मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड करके फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक साथ पूरा ऐड नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और चम्मच को लगातार हिलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे दूध फटने लगा है, दूध में से छेना सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे से छेना निकल आया है। छेना हमारा रेडी हो गया है। कभी कभी क्या होता है, दूध ढेर सारा दूध घर में रहता है और उसमें उससे क्या पकाया जाए समझ में नहीं आता है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूध हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसी दूध से आप लोग ऐसी छना बना के आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक अलग कटोरी में मैंने ले लिया है दही, उसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और शक्कर। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक जो मसाला है, दही और मसाला पाउडर का पेस्ट हमारा रेडी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो रेडी हो गया है हमारा दो मसाला, एक टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और यहाँ पे दही और पाउडर मसाला का पेस्ट। और यहाँ पे छेना भी अच्छे से ड्रेन आउट हो गया है पानी छेना में से, और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। पैन में मैंने ले लिया है सरसों का तेल, आप लोग रिफाइंड ऑयल ले सकते हो या फिर घी में भी बना सकते हो। हल्का गर्म हो जाए फिर काजू और किशमिश मैं फ्राई कर लूँगी। किशमिश हल्का फूल जाए फिर तुरंत इसे निकल के अलग कटोरी में रख देना है। अभी उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है जीरा, खड़े गरम मसाले और कुछ काली मिर्च। इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें से जब खुशबू निकले हल्का सा, फिर ऐड कर देंगे तेजपत्ता और टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे 2-3 मिनट मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मसाला है भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है दही और पाउडर मसाला का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अभी इसे भी भूनना है। फ्लेम लो करके दही के मिक्सचर ऐड करना है और चम्मच को लगातार चलाते हुए कुछ देर भूनना है, नहीं तो दही फट सकता है। यहाँ पे देखिए गरम दूध में मैंने काजू और मगजदाना भिगो के रखी थी, इसका भी मैंने एक पेस्ट बना लिया है। आप लोग इसके बदले फ्रेश क्रीम या फिर घर में दूध के जो मलाई होता है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये छेना। आप लोग इस छेना के बदले में पनीर से भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अभी ये मसाले के साथ छेना को हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश, इसे भी मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने ऐड कर दिया है काजू के पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर ऐड कर दिया है मैंने 1/2 कप के करीब पानी। अभी इसे मैं ढक के 3 से 4 मिनट कुक करूंगी। तीन से चार मिनट के बाद देखिए हमारा जो छाना डालना है वो रेडी है। लास्ट में इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर और घी। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये अलग ही फ्लेवर ऐड करता है इस रेसिपी में। भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ कर दिया है मैंने, चलिए इसे सर्व करते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। रोटी पराठा पूरी नान के साथ ये रेसिपी बहुत ही, ये जो डिश है ये बहुत ही अच्छा लगता है छाना डालना।
आप लोग ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।